वेलकम everyone to टू द थर्ड लेसन ऑफ लेक्चर सीरीज implementation of ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जिन लोगों ने फर्स्ट और second लेसन नहीं किया है उन लोगों के लिए लिंक में टॉप राइट कॉर्नर में आपके में डिस्प्ले हो रहा होगा साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड अभी तक हमने पढ़े हैं इंट्रोडक्शन टू मैट लैब एंड अबाउट toolbox इस लेक्चर में इस लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉल्वर्स ऑफ minimization प्रॉब्लम्स ये टेबल हम लोगों ने देखी है जिसमें जिसमें कई तरह के मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के सॉल्वर्स के टाइप्स दिए हुए हैं इनके सिंटेक्स दिए हुए हैं इनमें से कुछ स्पेसिफिक सॉल्वर्स की हम डिस्कशन करेंगे इस सीरीज में जिनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे कुछ हम सेकेंड लेक्चर कुछ हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट एफ मिन बी एन डी ये एक स्केलर मिनिमाइजेशन के लिए यूज होता है इट इज इट इज यूज फॉर सिंगल वेरिएबल्स इट इज अ बाउंडेड सॉल्वर एंड इट कैन बी यूज फॉर नॉन लिनियर फंक्शन मिनिमाइजेशन तो अगर इसकी सिंटेक्स का बात करें तो एक्स इज इक्वल टू एफ मिन बी एन डी ब्रैकेट के अंदर एट द रेट प्रॉफ वन कामासा एक्स टू जिसमें एक्स वन एक्स टू जो है ये इसकी अपर लिमिट ये इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट्स हैं एंड एट द रेट प्रॉफ वन जो है ये एक मेटलैप सिंटेक्स है जिसमें मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ uh, जैसे कि आप इस स्नैपशॉट्स में देख सकते हो कि मैंने पहले सी एल सी क्लियर देन फॉर्मेट शॉर्ट देन एक्स वन इज जीरो एंड एक्स टू इज नाइन मैंने आपको बताया ना एक्स वन जो है एक्स की वैल्यू एक्स वन और एक्स टू के बीच में लाई करेगी बिकॉज एक्स वन जो है वो लोअर इसका लोअर लिमिट एंड एक्स टू जो है वो अपर लिमिट है तो वी हैव टू टेक केयर कि एक्स वन की वैल्यू हमेशा एक्स टू से छोटी होनी चाहिए देन एक्स इज इक्वल टू एफ मिन बी एन डी एट द रेट प्रॉफ वन डॉट एक्स कॉमा एक्स कामा एक्स टू एंड ये मैंने एक एम फाइल में सेव किया और जो प्रो वन डॉट एम के नाम से मैंने एक दूसरी डॉट एम फाइल बनाई जिसके अंदर मैंने फंक्शन एफ इज इक्वल टू प्रो वन एक्स डिफाइन किया जिसमें एफ जो है वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि हमारे इस केस में टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस फोर एक्स फोर प्लस सेवन इंटू सेवन एक्स माइनस सिक्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है नाउ अब जब मैं आ, इसको जब मैं सेव कर दूंगा और जब मैं इसको जब मैं इसको रन करूंगा तो इस फंक्शन में तो ये मेरा प्रोग्राम जो मेरा एफ बी एन डी डॉट एम फाइल है ये एक्स की वैल्यूज़ को इस फंक्शन के लिए कैलकुलेट करेगी जहाँ मेरा कर्सर देख रहे हो एंड फिर उसकी आउटपुट वैल्यू डिस्प्ले करेगी जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरी कमांड विंडो में आप देख सकते हो तीन चीज़ें डिस्प्ले होंगी सेमी कॉलन नहीं लगाया मुझे एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू पता चलेगी एंड साथ ही सिंगल वेरिएबल फंक्शन को एक्स की विच ऑज इवेंचुअली द वैल्यू ऑफ कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए मेरे को एफ की मिनिमम वैल्यू पता चलेगी वो डिस्प्ले होगा अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ मुझे एफ वेल well की मिनिमम वैल्यू पता चले सो फॉर दैट देर अ डिफरेंस इंटेक्स जो कि हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे एक्स एफ वॉल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू एफ मिन बी डी देन ब्रैकेट में एट द रेट ऑफ वन कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा ऑप्शन अब देखिए पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि वेन एवर हमको जो आंसर चाहिए हमको डायरेक्टली सिर्फ आंसर मिल जा रहा है हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू मिल रही है दैट इज वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है और अगर मैं यहीं पर अगर मैं इसको लिख दू एस कॉमा एफ वी एल उसके आगे मैं सिर्फ यही चीज़ सेम लिख दूँ तो मुझे एफ वैल्यू यानी मेरे को फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे पता चल जाएगी कि फंक्शन कि कौ, कि, कि की कौन सी मिनिमम वैल्यू के लिए मेरे को एक्स की ये मिनिमम ए ऑप्टिमल पॉइंट मिला है ठीक है बट सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं ये एक्स की वैल्यू कैसे आई इनिशियली इसने मेरा प्रोग्राम जो था या एफ एन जो था ये कैसे स्टार्ट हुआ अगर मुझे वो जानना होगा तो उसके लिए मैं एक नया इसमें एक सिंटेक्स एड करूँगा विच इज़ ऑप्शन ऑप्शन जो है उसके लिए मुझे ऑप्शन को डिफाइन करना पड़ेगा सो विच इजन एज पूरा फंक्शन मेरा सेम रहेगा मैं एक्स टू को डिफाइन करने के बाद आई विल लाइट ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्टिम सेट ब्रैकेट ओपन डिस्प्ले विच इज टू डिस्प्ले हाउ द हैज़ टेकन प्लेस या किस कितनी इट्रेशन हुई हैं आई टी आर इटरेशन देन टोल फन टोल फन इज एक्चुअली द मिनिमम टॉलरेंस वैल्यू जिन लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन पहले आपने बीटेक में या और स्टडीज में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम जब भी एक इटरेशन से दूसरे इटरेशन में बढ़ते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है उसका हम एक डिफरेंस लेके ये चेक करते हैं कि कितनी वैल्यू पे हमको स्टॉप होना है स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है सो so, वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं और मैट लैब में उसका उस इंटेक्स को टोल फन वैल्यू बोलते हैं तो यहाँ मैंने वन इंटू टेन टू द पावर माइनस एट जो है वो मैंने अपनी टॉलरेंस फंक्शन की वैल्यू रखी है एंड देन मैक्सिमम इटरेशन अब मैं नहीं चाहता कि मेरा वैल्यू बहुत ज़्यादा जाए तो मैंने मैक्सिमम इटरेशन थर्ट ही रखा है आप फिफ्टी भी रख सकते हो अगर इससे कम मैं रख दूंगा तब क्या होता है वो भी एक केस बनता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे तो इस तरह से मैंने ऑप्शन को डिफाइन किया एंड आफ्टर दैट मैंने अपना सिंटेक्स लिखा एंड देन आई एम जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह की टेबल अपने कमांड विंडो में मिलेगी जिसमें सबसे पहले नंबर ऑफ सारी इट्रेशन्स हैं कि कैसे कैसे मेरा इटरेशन तो देखिए मैंने 30 तक इटरेशन दिया था मैंने मैक्सिमम इटरेशन 30 तक दिया था कि 30 तक अगर ये मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल रही है तब तक तो ठीक है अगर नहीं मिलती है तब क्या होता है दैट इज़ अ सेपरेट इशू तो मैंने 30 तक मैक्सिमम इटरेशन दिया था कि मैक्सिमम थर्टी टाइम्स से कैलकुलेट करेगा तो ट्वेंटी सिक्स ही इसको मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है क्योंकि ट्वेंटी और ट्वेंटी का जो जो वैल्यूज़ आई हैं उसके अंदर जो डिफरेंस है एक्स का वो वन इंटू टेन पावर माइनस से कम है इसलिए यहाँ पे मेरी मेरा ऑप्टिमाइजेशन और मेरा सिक्वेंस रुक जाता है और मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाती है और उससे करस्पॉन्डिंग एफ वैल की वैल्यू मिल जाती है तो साथ ही साथ ये देखिए एच्स टेबल में मेरे को एक्स की कंजीक्यूटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं फिर एफ एक्स क्या वैल्यूज़ आ रही हैं वो मिल रहा है और फिर प्रोसीजर तो प्रोसीजर में आप देखोगे दे आर थ्री डिफरेंट टर्म वन इज इनिशियल दैन गोल्डन एंड देन पैराबोलिक तो इनिशियल इज़ लाइक द फर्स्ट स्टेप इसने लिया दैट विल बी द इनिशियल प्रोसीजर दैन गोल्डन का मतलब है गोल्डन सर्च मैथड एंड पैराबोलिक का है पैराबोलिक इंटरपोलेशन ये दोनों ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ही वाइडली यूज़ होते हैं एंड मेटल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सो अगर आप लोगों को इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो मैं इस पर ट्राई करूँगा आपको एक और अच्छा वीडियो देने के लिए सो दिस इज़ हाउ दिस होल फंक्शन वर्क्स और अब हम आगे बढ़ते हैं और देख इसके अब अभी तक हमने एक्स और एफ वॉल किया बट आपको याद होगा मैंने बोला कि कई सारी इसमें डिफरेंस आ सकते हैं सपोज़ मेरे नंबर ऑफ़ इट्रेशन जो हैं वो एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन टर्म से कम हो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 26 पे हो रहा है सपोज मैं यहाँ पे 20 ही इट्रेशन मार्क कर दूँ तो क्या मेरा ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट आएगा या क्या होगा उस केसेस के लिए एक डिफरेंट इसमें एक एक फ्लैग रखा हुआ है जिसको एग्जिट फ्लैग बोलते हैं और जिसके अंदर जो कि सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लेता है वो कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर वैल्यूज लेगा ये और बेस्ड ऑन दैट इंटीजर वैल्यू कुछ केसेस ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं जैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ हमने जो कोड किया है वो सही से ऑप्टिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है तो सपोज मैं इसको चलाता हूँ केस वन कहता है कि मेरा एग्जिट फ्लैग किया अगर मेरी एग्जिट की वैल्यू वन आती है इसका मतलब है कि मेरा एफमिन जो है वो कन्वर्ज हुआ है और उसने सही से कन्वर्जन मेरा शो किया है अकॉर्डिंग टू द टॉल एक्स फंक्शन या टॉलरेंस फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया था केस टू अगर एक्सिट की वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब ये है कि मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ विट्रेशन और वैल्यूएशन जो हैं वो रीच हो चुके मतलब मैंने यहाँ पे थर्टी दिया था सपोज़ मैं यहाँ ट्वेंटी दे देता तो हो सकता है कि मेरा आंसर आता ही नहीं तो मेरे को एग्जिट की वैल्यू जो मिलती वो वो मेरे को जीरो मिलती है विश शोज़ कि इसका मतलब है मेरे को नंबर ऑफ मैक्सिमम विट्रेशन बढ़ानी पड़ेंगी नंबर केस थ्री इज़ माइनस टू जिसमें सपोज मैं मैंने आपको पहले ही बोला था कि x1, x2 जो है वो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड है और अगर मैं उसको उल्टा लिख दूँ x1 को 9 और x2 को 0 कर दूँ तो मेरे को एग्जिट की वैल्यू माइनस टू मिलेगी एंड केस फोर इज़ वैन एग्जिट का वैल्यू माइनस वन होती है विच इज़ वैन जब एल्कोरेथम इज टर्मिनेट बाय द आउटपुट फंक्शन तो सपोज मैं यहाँ पे कोड लिखूँ जिसमें ये बोल दूँ कि अगर आई टी ई आर जो है अगर वो ट्वेंटी से मैं भले ही थर्टी लिख दूँ बट सपोज मैंने कोई फंक्शन लिखा कि सपोज़ आई टी आर मैंने चाहिए तो थर्टी तक बट अगर मैं बीच में कोई फंक्शन ऐसी कोई कंडीशन डाल दूँ कि मेरा फंक्शन बीच में ही रुक जाए तो उस केस में मेरा ऑप्टिमाइजेशन तो पूरा हुआ नहीं मेरा कोडिंग पूरा हुआ नहीं मेरा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा और मेरा फंक्शन बीच में ही उठ के मुझे एग्जिट में ही दे दिया कि हाँ कोई आउटपुट कोई सेपरेट फंक्शन की वजह से आपका यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन केस रुका है ये मैक्सिमम बहुत कॉम्प्लिक जब हम थोड़े बड़े केसेस करते हैं तब ये चीज़ समझ में आती है और आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आ, ये देखिए आप आते हैं पहले एग्जाम्पल पर जिसमें मैंने मैक्सिमम थर्टी लिया बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल है और जब मैं सॉरी हाँ देखिए पहला बिल्कुल फ़र्स्ट एग्जांपल है कोई उसमें चेंजेस नहीं है मैंने इसमें एग्जिट लिख दिया और जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए एग्जिट की वैल्यू बन आ रही है मतलब मेरा सब कुछ परफेक्टली चल रहा है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है नाउ सेकंड में आ, मैंने देखिए मैक्सिमम इट्रेशन मैंने ट्वेंटी कर दी तो मेरा एग्जैक्ट जो जो है वो ट्वेंटी वन ये ट्वेंटी वन इसलिए गया है बिकॉज ये इसको जीरो थ्री कंसिडर करता है हम इसको जीरो तटोरेशन फर्स्ट इट्रेशन फर्स्ट इट्रेशन को हमार हम जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं हम इसको जीरो तिटोशन मांगते हैं बट मैटलाइप उसको वन से काउंट करता है इसलिए ट्वेंटी वन तक गया और उसके बाद इसने देखा कि मैक्सिमम इटेशन हैव बीन एक्सीड इंक्रीज मैट मैट एक्स ऑप्शन तो देखिये मैटलाइप ने ख़ुद ही कह दिया कि आपको ये जर, ये हमको हम आम फाइनल उस तक नहीं पहुँचे हैं फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं और हमको ये मैक्सिमम मिट्रेशन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और इसलिए एग्जिट जो है फ्लैग है वो जीरो दे रहा है फिर केस थ्री में आते हैं जिसमें मैंने आप देख सकते हो जिसमें मैंने x1 की वैल्यू 9 और x2 टू की वैल्यू जीरो कर दी लोअर मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक्सचेंज कर दिया तो एक तरह से ये मैथमेटिकली रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पे कमांड विंडो में डिस्प्ले होगा एग्जिटिंग ड्यू टू इनफिजिबिलिटी द लोअर बाउंड एक्सीड्स द अपर बाउंड तो ऑटोमेटिकली मेरा ये एग्जिट की वैल्यू माइनस हो जाएगी इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ इनकन्सिस्टेंसी इसकी लिमिट्स में है ना uh, सपोज uh, मुझे जिस तरह से ये प्लॉट हो रहा है अभी तक तो मैंने इसे वैल्यूज देखी सपोज आई वॉन्ट टू प्लॉट इट तो उसके लिए एक एडिशनल फंक्शन होता है जिसमें ऑप्शन में ही ऑप्टिम सेट के अंदर ही मैं एट द रेट ऑप्टिम प्लॉट एफ वेल ये एक कमांड जो है ये मैं ऐड कर देता हूँ और जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे इस तरह का एक फंक्शन भी मिलेगा जिसमें से मैं देख सकता हूँ ग्राफिकली कि जैसे जैसे मैं इटरेशन बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी वैल्यू जो है वो डाउन जा रही है ये कंपैरेटिव करने के लिए या डिफरेंट तरह की जो भी हमारे पास सॉल्वर्स हैं उनका कंपेरिजन करने के लिए बहुत अच्छा टूल है ना अब हम आएंगे हमारे सेकेंड सॉल्वर विच इज़ एन एफ मिन यू एन सी वी आर यू एन सी स्टैंड फॉर अनकॉन्सट्रेंट तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक मिनिमम और एक एक लिमिट दे दी थी कि एक्स की वैल्यू इन्हीं दो लिमिट्स के बीच में चाहिए विच एक्ट्स एज अ कॉन्स्टेंट ना सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कॉन्स्टेंट नहीं पता मुझे सिर्फ एक पॉइंट पता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन अपने आप काम करे अनकॉन्सटेंट तरीके से काम करे उसमें कोई कॉन्स्टेंट्स ना हो सो फॉर दैट हम एफ मन यू यूज़ करते हैं एंड एफ मेन यू का एक और एडवांटेज है कि इट इज़ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन इट कैन बी यूज फॉर अ फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हो ये पहला एग्जांपल है जो कि मैंने यूनी वेरिएबल का ही लिया है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स और इसका जो प्रॉब्लम वन है ये मेरा पहला जो मैंने यूज़ किया था पहले जो पहले एग्जाम्पल में एफ मिन बी एन डी में जो मैंने यूज़ किया था उसी एक्स वन को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर उसी उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एफ मिन यू एन सी को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो सपोज़ मैंने इसको यूज़ किया मैंने एक इनिशियल पॉइंट दे दिया कि एक्स की वैल्यू फाइव है सपोज़ और अब मेरे को इसको इसका मिनिमाइजेशन करना है ऑप्टिमाइज़ करना है तो जब मैं इसको रन करूँगा तो इट विल तो मेरा ऑप्टिव तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो फंक्शन में वैसे बहुत वैल्यू आएगी कि लोकल मिनिमम फाउंड ऑप्टिमाइजेशन कम्पलीटेड बिकॉज द साइज ऑफ द ग्रेडियंट इज़ लेस देन द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन टॉलरेंस स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिटेल्स जो होती हैं वो मैंने अभी हाइड कर दी हैं और एक्स इज तो इसमें हमको एक्स की वैल्यू मिली है पॉइंट जीरो वन थ्री सिक्स एंड एफ वाले माइनस फाइव पॉइंट नाइन 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 सिक्स तो आपने देखा फ्रेंड्स पहले जब मैंने एफ मिन बी एन डी सॉल्वर यूज़ किया था तो उसमें वैल्यू माइनस सिक्स आ रही थी और यहाँ पे माइनस सिक्स से थोड़ा और नीचे चला गया थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है तो तो ये हमारे ये हमको शो करता है कि हम चाहें तो एफ एन और एफ एन बी एन डी की जगह एफ एन यू एन सी भी यूज कर सकते हैं बट हाँ अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट्स या कोई लिमिट्स नहीं हो तो ना अब हम आते हैं ऑप्शन यूज करने के लिए सपोज ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था तो उस तरह से मैं यूज करता हूँ तो सेम चीज़ है ऑप्शन हमने ऑप्टिम सेट डिस्प्ले ऐड किया है और यहाँ पे मैंने f1 जो है मेरा प्रॉब्लम फंक्शन वो मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे मैंने मल्टी वेरिएबल फंक्शन लिया है विच इज़ x1 वन विच इज़ थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एक्स वन इन टू एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू ये मेरा मल्टी वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके लिए अब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए x1 और x2 तो मैंने मुझे दो इनिशियल वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी सो आई हैव डिफाइंड टू इनिशियल वैल्यूज़ एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस वन एंड फाइव एक्स वन के लिए मिनिमम स्टार्टिंग वैल्यू है माइनस वन एन एक्स टू के लिए स्टार्टिंग वैल्यू है फाइव इन दोनों को मैंने रन किया और जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से कमांड विंडो में, में मेरा डिस्प्ले होगा जिसमें यूट्रेशन दिखाएगा फन काउंट दिखाएगा एफ एक्स की वैल्यू दिखाएगा स्टेप साइज एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमालिटी तो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज अगर आपको इन डेप्थ ऑटोमेशन सीखना है तो इन सब सारे स्टेप्स का अपना अपना मतलब होता है इस लेसन इस में बिकॉज टाइम ज़्यादा लगेगा हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे ये मैं आपको सेपरेटली अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मैं सेपरेट एक सेपरेट वीडियो इसके लिए आप लोगों के लिए बना दूंगा तो जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास कमन आएगा लोकल ऑप्टिमम फाउंड और एक कमेंट आएगा कि ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटेड बिकॉज द साइज ऑफ द ग्रेडियंट इज़ लेस देन द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन टॉलरेंस तो x की वैल्यू देखिए x1 की मिनिमम वैल्यू 2.25 पॉइंट टू फाइव एंड एक्स टू की मिनिमम वैल्यू माइनस फोर पॉइंट सेवन फाइव तो ये आपको याद होगा फ्रेंड मैंने x1 की इनिशियल वैल्यू दी माइनस वन और एक्स एक्स टू की इनिशियल वैल्यू दी थी फाइव तो यहाँ पे मेरे को उल्टा मिला है यहाँ पे x x1 की वैल्यू 2.25 पॉजिटिव हो गई और

दीज आर मोर देन सफिशियंट और आगे आगे हम आने वाले लेसन्स में हम और ऐसे सॉल्वर्स की बात करेंगे आई होप यूड यू वुड है लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड आपको जो भी डाउट्स हैं यू कैन कमेंट डाउन बिलो थैंक यू स्टे फिट स्टे हेल्दी